अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खान साहब ने कल की जो स्पीच थी उसमें बड़े गुस्से में थे, बड़े जज्बात में उसने DGSPR का जो है वो फिरौन कहा और उसने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, इमरान खान को दुनिया जानती है और ये पाकिस्तानी कौम 50 साल से इमरान खान को जानती है। ये सुने, मुझे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी पार्टी का है, मुझे ये हक नहीं मिला कि मैं अपनी FIR कटवा सकूं। ISPR साहब फरमान दे रहे हैं कि हमारा तो फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया, अब है कौन कहने वाले, ये किसने आपको राइट दिया है? मुल्क का आइन ये कहता है कि जिसके ऊपर वारदात होती है उसका राइट होता है FIR कटवाना, तफ्तीश हो, बेकसूर साबित हो जाए, बिस्मिल्लाह। लेकिन आप तो बैठ के फिरौन की तरह फरमान पास कर रहे हैं, यूं तो हमारा, मैंने तो गलत इल्जाम, और ये कहना है इमरान खान झूठ बोल रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। इमरान खान को 50 साल ये कौम जानती है, इस कौम की तारीख में अगर किसी एक आदमी को इस कौम ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, जो सबसे ज्यादा खैराती काम वो इमरान खान कर रहा है, और वो क्यों देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दयानतदार आदमी है, वो चोरी नहीं करता पैसे, वो सच बोलता है। अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा फ्लैट का, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा सादिक और अमीन है, आपको किसने इजाजत दी है कि ये कहना जी झूठ बोल रहा है या दोगला है? आपको शर्म आनी चाहिए, कभी ISPR ने इस तरह की बातें नहीं की, आप तो कूद के आ गए पॉलिटिक्स में, आप पार्टी बना लें अपनी। सुन लिया व्यूअर्स, कल खान साहब बड़े गुस्से में थे, उसने बड़ा ही कंट्रोल किया अपने गुस्से को और उसने सारी बातें बता दी कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं और आपने क्या क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ है। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।